गाइस, मैं हूं छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। वेल, पिछले 10 दिन मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल दिन थे इन द लास्ट 10 इयर्स दैट आई कैन रिमेंबर। हियर्स व्हाट हैपेंड। numbness in this leg और numbness तो ठीक है, pain is also something that I can bear, लेकिन problem क्या हो गई है कि there's a particular nerve जो press हो गई है because of my back issue और इसलिए leg में strength नहीं रही है and I cannot walk on this leg, तो बहुत limp करके चलना पड़ रहा है। So the doctor has told me that कुछ नहीं करना है आपको, ना बैठना allowed है ना ही आपको खड़े रहना allowed है, आपको सिर्फ bed rest करना है। The good thing is that I am finally feeling a lot better और आज मैं 10 दिन के बाद शूटिंग करने के लिए भी जा रही हूँ। Let's see how that goes. Guys, I'm ready for my shot. Wish me luck. तो मैं अपना पहला शॉट देकर आ गई। सो फार सो गुड। मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि हम लोग स्पेशली मदर्स हर चीज का ध्यान रखते हैं, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिस का काम, बाहर का काम, बच्चों का ध्यान रखना, बट एक चीज़ है जो हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ आर हेल्थ। अब मुझे पता था कि मेरी बैक में तकलीफ हो रही है, बट आई केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब बॉडी चीख चीख के बोल रही थी कि मुझे रेस्ट चाहिए, बट आई जस्ट डिडन्ट गिव इट एनी रेस्ट। आपके साथ भी ऐसा होता होगा राइट? कई बार काम होता है, कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो आज खाना नहीं बनाते, बाहर से मंगा लेते हैं। बच्चा रो रहा है तो झुक के उठा भी लेते हैं उसको, सो निग्लेक्ट कर देते हैं अपने आप को। लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ, इससे मुझे एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला है। मतलब आई रियली अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई ओन हेल्थ। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लूंगी और अपनी बैक एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करूंगी। मुझे बैक एक की प्रॉब्लम बहुत साल से है और जब प्रॉब्लम होती है तब मैं हमेशा एक्सरसाइजेस शुरू कर देती हूँ, लेकिन जब प्रॉब्लम ठीक होती है तो अगेन देन आई जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एंड आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू मदर्स, प्लीज डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जब डॉक्टर कहता है ना, जब लिख के देता है ना कि कंप्लीट बेड रेस्ट, तो आपको झक मार के उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगले शॉट में मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने झट से इस टाइम का फायदा उठाया और मैं चुपचाप आके लेट गई हूँ। सी, लैपटॉप पे थोड़ा सा काम है, बट मैं इस पोजीशन में ही करूंगी सो दैट माय बैक इज स्ट्रेट जस्ट द वे द डॉक्टर आस्क्ड इट। टर्न टू द साइड एंड गेट अप। इतना अच्छा लग रहा है मुझे सब एक्सरसाइजेस करने के बाद, हीट लेने के बाद। 5 मिनट का ब्रेक अगर बीच में मिल जाए, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अच्छा हुआ क्या, एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मुझे। अभी बैक की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट आउट हुई है, बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस एक चीज़ तो मैं बिल्कुल भूल ही गई, दैट आई मिस्ड माई पीरियड्स। तो डॉक्टर का कहना है कि बहुत हैवी मेडिसिन खा रही हूँ, उसकी वजह से हो सकता है, बट माई पॉइंट इज दैट आई मिस्ड माई पीरियड एंड दैट इज अनदर थिंग दैट सो मेनी वुमेन गो थ्रू। एक और मुझे याद है, जब मैं छोटी थी ना, जब मुझे पीरियड्स होने स्टार्ट हुए थे, तो मेरे नाना जी मुझे कहते थे कि बेटा पीरियड्स हमेशा ठीक रहने चाहिए। फॉर अ गर्ल इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, अगर पीरियड्स ठीक हैं तो आपकी हजार और प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। पीरियड्स अगर इररेगुलर हैं या ठीक से नहीं, आपको ब्लीडिंग हो रही है या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या लंबे ड्यूरेशन के लिए हो रहे हैं या कम टाइम के लिए हो रहे हैं, आपको इससे हॉर्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं, बैक एक शुरू हो सकती है, ब्लोटिंग, वेट गेन, वेट लॉस, PCOD, PCOS, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो मैंने एक नया प्रोडक्ट ये ट्राई करना शुरू किया है, नम्या अनर्तवा सिरप, स्पेसिफिकली फॉर पीरियड हेल्थ, फॉर डिलेड एंड इररेगुलर पीरियड्स इट सेज। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों में बिलीव करती हूँ, कुछ भी आर्टिफिशियल जहाँ तक अवॉइड कर सकती हूँ करना पसंद करती हूँ। तो इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट एक मेंशन है हर्ब्स की, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इस पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए 90 डेज तक आपको ये रोज़ खाना है, वंस इन द मॉर्निंग वंस इन द इवनिंग। एंड आई थिंक कोई भी चीज़ जो मैजिकल या मिराक्युलस असर करती है उसमें या तो स्टेरॉयड्स होते हैं या तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ होती है। सो नेचुरल कोई भी चीज़ है उसको असर करने में उतना टाइम तो चाहिए। इट ओनली प्रूव्स दैट दिस थिंग इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल। और पीरियड से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, क्रैम्प्स भी होते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। सो आई थिंक अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा सिंपल सा सोल्यूशन है तो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू चेंज। एक और चीज़ जो मैंने देखा है लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं वो है खाना। भूख लगी है लेकिन खा नहीं रहे हैं, क्यों? पहले काम फिनिश कर दूँ फिर खाऊँगी, बस ज़रा इतना सा कर दूँ फिर खाती हूँ। एंड ऑल्दो मैं खुद बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ को लेकर, डाइट को लेकर, खाने के टाइमिंग को लेकर, बट फिर भी मैं भी कई बार स्लिप अप हो जाती हूँ यार। और मैंने देखा है मदर्स तो बहुत स्लिप अप होती हैं। सो यू नो, अभी अगर आप यंग हैं ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू द मिनट यू क्रॉस 50-60 सडनली जो है ना ज़िंदगी में वो सारे मोमेंट्स याद आएंगे जब भूख लगी थी और इस छोटी सी नेसेसिटी को निग्लेक्ट किया था हमने। आज मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फिर से याद आ गई है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। बट आप सबसे भी कहना चाहती हूँ दैट अपार्ट फ्रॉम गुड हेल्थ एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है अपने आप को अपनी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में थोड़ा सा ऊपर रखना। बिकॉज अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तभी हम अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा पाएंगे। एंड ऑन दैट नोट आई लाइक टू एंड दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि। दिस इज मी साइनिंग आउट। Love and peace from me to you.